बड़ी मोटिवेशनल लाइफ है इन सबकी। सबसे पहला उदाहरण मैं आज ले रहा हूं प्रोफेसर सुगाता मित्रा का। प्रोफेसर सुगाता मित्रा बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और बड़े बड़े जगह से उन्होंने डिग्रियां हासिल की हैं, लेकिन उससे कहीं बड़ी बात उनका एक एक्सपेरिमेंट रहा है। सुगाता मित्रा दुनिया भर में फेमस हुए आज से बहुत साल पहले एक बड़े प्यारे एक्सपेरिमेंट के लिए, जिसका नाम है होल इन द वॉल, यानी दीवार में छेद, दीवार में सुराख। तो ये क्या था, सुगाता मित्रा जी ने दिल्ली की कालकाजी क्षेत्र की झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र, जहां पर सारे निशक्त परिवार रहते हैं, वहां के बच्चों पर एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि एक दीवार में छेद किया और उसमें सुरक्षित तरीके से कंप्यूटर लगा दिया। अब तब तो कंप्यूटर इतने एडवांस भी नहीं होते थे, और कीबोर्ड वगैरह सब लगा दिया, उसमें इंटरनेट भी कनेक्ट कर दिया और उसको छोड़ दिया। अब वहां रहने वाले सारे गरीब बच्चे, एक्सपेरिमेंट ये था कि ये बच्चे जिनकी कोई ज्यादा अच्छी स्कूलिंग नहीं हुई, जिनको इंटरनेट पता ही नहीं है क्या है, ये उसका क्या करेंगे। लोगों को कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन आप यकीन माने दोस्तों, कुछ ही हफ्तों के बाद ये पता चला कि वहां के सारे बच्चे जो उन गरीब परिवारों से आते थे झुग्गी झोपड़ियों के, उन्होंने इंटरनेट चलाना भी सीख लिया, कंप्यूटर चलाना भी सीख लिया खुद, उनको किसी ने सिखाया नहीं, और उन्होंने उसकी पूरी इंटरनेट सर्फिंग वगैरह चालू कर दी। प्रोफेसर सुगाता मित्रा ने टीचिंग में ये पूरा एक नया मॉडल डेवलप करके दिखा दिया, और इसलिए उन्हें याद किया जाता है। तो होल इन द वॉल एक्सपेरिमेंट ये बताता है, छोटे छोटे बच्चों की लर्निंग एबिलिटी अगर कोई एडल्ट सुपरवाइज नहीं करे तो बहुत अच्छी भी हो सकती है। दूसरे नेशनल टीचर जिन्हें आज हम डिस्कस करेंगे, आप सभी उनका नाम जानते हैं, सोनम वांगचुक। आप सोनम वांगचुक इनोवेशन के लिए जाने जाते हैं, थ्री इडियट मूवी में कैरेक्टर भी उन्हीं से प्रेरित रहा था, और उन्होंने 1988 में स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख SECMOL शुरू किया था, जिसमें उनका कहना यह था कि हम जिस तरह से पश्चिमी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उसमें हमको सोचने का तो मौका ही नहीं मिलता, तो हम कुछ ऐसे काम करेंगे जिससे ओरिजिनल थिंकिंग डेवलप हो। बड़ा नेक ख्याल है। 1994 में न्यू होप चालू किया, अब उनका स्कूल है, और वो बहुत एक यूनिक और इनोवेटिव एक्सपेरिमेंटल तरीके से बच्चों को ग्रूम करने की कोशिश करते हैं। उनकी आई स्टूप टेक्नोलॉजी भी काफी नाम कमा चुकी है। तो हमें सोनम वांगचुक जी से नए इनोवेशन करने की प्रेरणा मिलती है, और एक तरह से एस्टैब्लिश पैटर्न्स को तोड़ के विद्रोह करने की एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। आज का हमारा तीसरा उदाहरण है आदित्य कुमार जी का। इनका नाम है साइकिल गुरु जी। आदित्य कुमार की खूबी यह है कि इन्होंने देश में लाखों किलोमीटर साइकिल चलाई, और अपना मिशन उन्होंने आगे पीछे बोर्ड लगा रखे थे, खुद चलाते थे, ये बताया कि मैं गरीब बच्चों को पढ़ाता हूँ। लोगों ने दिल खोल के उनको दान दिया। वर्तमान में लखनऊ के गरीब बच्चों को आप पढ़ाते हैं और साइकिल गुरुजी के नाम से बहुत फेमस है। तो आप देख रहे हैं एक अकेला व्यक्ति कितना परिवर्तन गरीबों के जीवन में ला सकता है। चौथा बहुत अच्छा उदाहरण मोटिवेशनल टीचिंग में मैडम विमला कौल का है। आज आपकी उम्र 80 से ज्यादा हो चुकी है। आपने दिल्ली में गरीब बच्चों के लिए बहुत सालों पहले एक स्कूल शुरू किया था, गुलदस्ता, अपने पति के साथ मिलकर, और ये जो स्कूल आपने शुरू किया था दिल्ली में, गुलदस्ता जारी है, चालू है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स और बहुत सारी प्रैक्टिकल आर्ट्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स गरीब बच्चों को वहां पे सिखाए जाते हैं। तो इतने लंबे समय से कॉन्ट्रीब्यूट करके 80+ की आयु में भी लगातार काम करते रहना, ये आपकी खासियत है। और आज का हमारा पांचवा और अंतिम मोटिवेशनल टीचर एग्जाम्पल है भारती कुमारी का। आपको जान के आश्चर्य होगा, 2010 में जब भारती कुमारी महज 12 या 13 साल की थी, खुद एक स्टूडेंट थी किसी स्कूल में, तो कुसुम्भरा गांव जो पटना से 20-30 किलोमीटर दूर है, वहां उन्होंने बच्चों को इकट्ठा किया और अपना स्कूल खोल दिया, और उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। तो ये भारत की सबसे कम उम्र की हेड मिस्ट्रेस कहलाई, और वो आज भी पढ़ाने का काम जारी रखा है उन्होंने। तो प्यारे दोस्तों, आज जो हमने पांच खूबसूरत उदाहरण देखे, प्रोफेसर सुगाता मित्रा, सोनम वांगचुक, मिस्टर आदित्य कुमार, मैडम विमला कौल और भारती कुमारी, ये हमें प्रेरित करते हैं कि हम सबके भीतर छुपे शिक्षक को हम कहीं ना कहीं मौका दे सकते हैं।